एक जंगल में एक चतुर लोमड़ी रहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ बिल्ली की तरह थी, जिससे वह शिकार नहीं कर पाती थी। एक दिन वह शिकार के लिए भटक रही थी और उसे एक बंदर का बच्चा दिखा, और इसके बाद बंदर के बच्चे की माँ ने आके उसे बहुत तेज तेज डंडे सिर पर मारे। इसके बाद लोमड़ी वहाँ से रोते हुए भाग गई। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसे एक शेर दिखा और शेर ने उसका पीछा किया और वह जान बचाते हुए भागने लगी। जैसे तैसे वह जान बचा के भाग रही थी, लेकिन सामने से एक कुआं आ गया और वह लोमड़ी उस कुएं में जाके गिर गई। लोमड़ी कुएं में गिर जाती है। इसके बाद वह कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे कोई उपाय नहीं सूझता और वह सोचती है कि मैं क्या करूं जिससे मैं इस कुएं से बाहर आ सकूं। और वह जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। तभी एक बकरा वहाँ पर आता है और वह देखता है कि एक लोमड़ी कुएं में गिर गई है और वह अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रही है। बकरा सोचता है कि मैं इसकी जान कैसे बचाऊं। बकरे को लोमड़ी के ऊपर दया आ जाती है और वह कुछ कोशिश करने लगता है कि किसी तरीके से मैं इस लोमड़ी को बचा सकूं। इसके बाद बकरा उससे बात करता है और बोलता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कुछ कोशिश करके तुम्हें इस कुएं से बाहर निकाल लूँगा। लोमड़ी निश्चिंत हो जाती है और बोलती है, जल्दी से कुछ करो जिससे कि मैं इस कुएं से बाहर निकल सकूं। लेकिन बकरे को कुछ उपाय नहीं सूझता कि आखिर वो करे तो करे क्या, और लोमड़ी से बोलता है कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे बाहर निकालूं। इसके बाद लोमड़ी बोलती है कि तुम अगर कुएं में कूद कर नीचे आ जाओगे तो हम दोनों यहाँ पे कुछ दिमाग लगाएंगे और हम कुएं से निकलने की कोशिश करेंगे। और लोमड़ी चालाकी से बकरे को कुएं के अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन बकरा लोमड़ी की चालाकी नहीं समझ पाता और वह कुएं में कूद जाता है। इसके बाद उसके बकरे की पीठ पर अपने पैरों को रख के छलांग लगा के कुएं से बाहर निकल जाती है और बेचारा बकरा कुएं के अंदर रह जाता है।